लाइफ में मैं देवयानी आज आपके साथ में कुछ कविताएं पढ़ूंगी अलग-अलग लोगों की और थोड़ी बहुत बातचीत करूंगी। मैं ये मान के चल रही हूँ कि इस लाइव में जो जुड़ने वाले लोग हैं उसमें काफी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो स्कूली शिक्षा में काम करते हैं, और स्कूली शिक्षा में पिछले कुछ सालों से मैं भी काम करते रही हूँ और खास तौर से भाषा से जुड़ा काम करते रही हूँ। और ये किया जा सकता था कि मैं इस मंच से अपनी कुछ कविताएं सुनाती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम दरअसल स्कूली शिक्षा में कविता को बरतते किस तरह से हैं? क्या हम स्कूल में कविता का एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सजग पाठक तैयार करते हैं? हम किन क्या सोचते हैं हम शिक्षा के बारे में? और इसलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा जब कविताओं के बारे में बात करती हूँ या अपनी कविताओं को पढ़ती हूँ तो उसकी बजाय मैं थोड़ा सा बातचीत इस बारे में भी करूँ कि दरअसल कविता की उपस्थिति हमारे पूरे स्कूली परिदृश्य में है किस तरह की। क्योंकि मुझे अक्सर ये देख के जब मैं स्कूली पाठ्य पुस्तकों को, स्कूली पाठ्यक्रम को देखती हूँ तो मैं अक्सर देखती हूँ कि एक खास तरह के ढर्रे में बंधी हुई कविताएं हैं, कुछ खास कवि हैं जो बार-बार हर साल हर हर बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में वही नाम, लगभग वही कविताएं बार-बार आते रहती हैं। तो क्या हमें बतौर शिक्षक या शिक्षा के सवालों पे सोचने वाले लोगों को और बतौर साहित्य जगत में भी सक्रिय रहने वाले लोगों को, जो लोग लिखते हैं, जो लोग लिखना पसंद करते हैं, जो लोग लिखे हुए को पढ़ना पसंद करते हैं, क्या हम सब लोग इन सवालों के बारे में सोचते हैं कि हमारे स्कूली बच्चों को कविता का और साहित्य का किस तरह का संस्कार मिल रहा है? हम जब अक्सर साहित्य की जो सारी चर्चाएं होती हैं वो कॉलेज स्तर पे आने के बाद में शुरू होती है। वहां पे हम एक अचानक से हम एक संजीदा पाठक को खोजना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या कॉलेज के स्तर तक आने तक कविता का कोई संजीदा पाठक विकसित हो रहा है, तैयार हो रहा है? कविता को पढ़ने की, कविता के साथ किसी तरह का रिश्ता बनाने की, कोई संवेदना को विकसित करने पे, किसी आस्वाद को विकसित करने पे हम काम कर रहे हैं क्या? और मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि इस मामले में हम लोग बहुत सीमित नजरिए के साथ में चलते रहे हैं। साहित्य के बारे में अक्सर कुछ बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य हृदय का उदात्तीकरण करता है, लेकिन कुल मिला के जब हम उस पूरे स्कूली सिस्टम के अंदर देखते हैं तो ऐसा कोई बहुत उदात्त रूप साहित्य का और उस साहित्य को पढ़ते हुए, जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं उसको पढ़ते हुए, कोई उदात्त मनुष्य तैयार होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए सुबह जब मैं यहाँ पे इनवाइट के लिए 11 बजे आई थी तब भी मैंने एक कविता बिली कॉलिंस की, अमरीकी कवि हैं उनकी, आपके साथ में पढ़ी थी। तो मैं अभी भी बातचीत को शुरू करते हुए उस कविता को इसलिए पढ़ना पसंद करूंगी कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम, खास तौर से वो लोग जो शिक्षा में काम करने वाले लोग हैं, वो कविता के बारे में किस तरह के नजरिए के साथ में काम करते हैं, कविता को अपनी स्कूल में, अपनी कक्षाओं में हम लेके किस तरह से जाते हैं। तो इस कविता को मैं आज फिर से एक बार आपके साथ पढ़ती हूँ। और दरअसल इस लाइव के बारे में सोचते हुए दो तीन चीजें मेरे मन में रही। एक तो पिछले दिनों में मैंने बहुत सारे लाइव देखे, बहुत नहीं देखे लेकिन फौरी तौर पे जब भी कभी देखा तो मैंने अक्सर ये देखा कि बहुत, और खास तौर से ऐसे लाइव जो कविता पे केंद्रित हैं और जिसमें लोगों ने कविताएं पढ़ी और बहुत सारी कविताएं पढ़ के सुनाई, तो एक लंबे समय को, साहित्य की एक लंबी परंपरा को लोग समेटने की कोशिश करते हैं। और अक्सर मैंने देखा कि इस साहित्य की परंपरा को समेटने की कोशिश में घंटे भर का लाइव जो होता है वो तमाम प्रमुख कवि होते हैं जिनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं, चाहे वो स्त्री कवियों ने पढ़ी, चाहे वो पुरुष कवियों ने पढ़ी, लेकिन मुख्यतः जो कवि छाए रहते हैं पूरे लाइव पे वो बहुत सारे आपके मुख्य धारा के पुरुष कवि होते हैं।
क्योंकि यदि स्त्री कवि की कैटेगरी है तो मुझे लगता है कि पुरुष कवि की भी कैटेगरी है, और ज्यादातर कविताएं उनकी पढ़ी गई, और अंत में जाते जाते कि अच्छा अब तो कविता पढ़ने का समय समाप्त होने को है और हमने अभी तक स्त्री कवियों की कविताएं तो पढ़ी नहीं है, तो इसलिए फिर जाते जाते अंत में खाना पूर्ति की तरह दो चार स्त्री कवियों की कविताएं पढ़ी जाती हैं। तो आज हालांकि मेरा सिलेक्शन बहुत रैंडम सिलेक्शन है, मैंने पिछले कुछ थोड़े बहुत समय में जो कविताएं मेरे पास में उपलब्ध थी और थोड़ा बहुत इंटरनेट पे देख के कुछ कविताएं मैंने अपने पास संकलित की हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आज के इस लाइव में ज्यादातर स्त्री कवियों की कविताएं आप लोगों के साथ में साझा करनी है। और दूसरी बात ये कि कविताएं जब हम पढ़ रहे हैं तो कविताएं पढ़ते हुए, क्योंकि कविता सिर्फ कविता कर क्या रही है, क्या जब हम किसी कविता को पढ़ रहे हैं तो वो खास तौर से मैं इस लाइव को ये मान के चल रही हूँ कि हम स्कूल के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, बच्चों के साथ में कविता के बारे में काम करने के संदर्भ में भी हम इसको इसको देखेंगे कि कविता का पाठ किस तरह से होना चाहिए, कविता किस विचार और किस संवेदना की बात कर रही है, और हम जिस लोकतंत्र में मौजूद हैं उस लोकतंत्र में वो कविता किन मूल्यों के साथ में खड़ी है, और क्या मूल्यों के साथ में खड़ी कविता हमेशा नारेबाजी की तरह ही होती है, या कि मूल्यों के साथ में खड़ी कविता में अपनी एक कविता की भाषा, कविता का अपना एक स्वर भी है, लेकिन इसके बावजूद वो कविता अपने समय को एड्रेस भी कर रही है, अपने समय को चैलेंज भी कर रही है। तो काफी ऊबड़ खाबड़ सी बातचीत मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज मैंने अपने आइडियाज को भी नहीं किया है और जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उसको भी नहीं किया है, पर कुछ बातें जो मुझे इस समय में सूझ रही है वो बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो और बिली कॉलिंस की कविता पे जाने से पहले मैं एक कविता, कुंवर नारायण की एक कविता है कि दरअसल कविता को हम समझते कैसे हैं, कविता करती क्या है। तो कुंवर नारायण कहते हैं अपनी कविता में, कविता वक्तव्य नहीं गवाह है, कविता वक्तव्य नहीं गवाह है, कभी हमारे पहले, कभी हमारे सामने, कभी हमसे पहले, कभी हमारे बाद, कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका पूरा मतलब है सच्चाई, जिसकी पूरी कोशिश है बेहतर इंसान, उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि वह इश्तहारों की तरह चिपके, जुलूसों की तरह निकले, उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि वह इश्तहारों की तरह चिपके, जुलूसों की तरह निकले, नारों की तरह लगे और चुनावों की तरह जीते, वह आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह जिंदा रहे बस, वह आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह जिंदा रहे बस। तो मुझे लगता है कि हम जो कविता के साथ में हमारा जो इंटरैक्शन है कविता के साथ में, हम कविता पढ़ते हैं या हम कविता लिखते हैं, या तो हमारा कविता के साथ में रिश्ता किस तरह का बनता है, क्या वो मनुष्य का मनुष्य के साथ जुड़ने का रिश्ता बनता है, या कि किसी तरह की महत्वाकांक्षा, या किसी तरह की नारेबाजी, या किसी तरह का प्रदर्शन जो है वो उसमें छुपा हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कविता के साथ में अंतःक्रिया करते हुए, कविता के बारे में सोचते हुए हमें सोचना चाहिए। और बिली कॉलिंस की कविता ये मुझे स्कूल के रेफरेंस में खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि हमने खुद अपनी स्कूली शिक्षा जैसे पाई और हम आज तक भी जो देखते हैं, हमारे अपने बच्चों को देखते हैं स्कूलों में जिस ढंग से कविता पढ़ते हुए, तो अक्सर हम पाते हैं कि कविता के साथ में जो सलूक हो रहा है वो कुछ इस तरह का है। मैंने उनसे कहा, एक कविता को उठाकर रोशनी की ओर इस तरह देखो जैसे किसी रंगीन स्लाइड को देखते हो, या उसके गुंजार को कान लगाकर सुनो। मैंने कहा, एक चूहे को कविता के बीच छोड़ दो और उसे बाहर आने, बाहर का रास्ता तलाशते हुए देखो, या कविता के कमरे में जाओ और लाइट का बटन दबाने के लिए उसकी दीवारों को टटोलो। मैं चाहता था कि वे कविता की सतह पर स्कीइंग करते हुए गुजरें और तट पर खड़े लेखक का हाथ हिलाकर अभिवादन करें।
लेकिन वे तो बस ये चाहते हैं कि कविता को कुर्सी पर बिठाएं और रस्से से बांधकर उसे तब तक प्रताड़ित करें जब तक वह अपना गुनाह कबूल न ले। वे एक पाइप से उसे पीटते चले जाते हैं ताकि वह बता दे कि आखिर वह कहना क्या चाहती है। तो मेरी गुजारिश ये है कि खासतौर से शिक्षक समुदाय से ये गुजारिश है, खासतौर से वे लोग जो बच्चों के साथ में स्कूलों में काम करते हैं उनसे गुजारिश है कि कविता के साथ में हम सुलूक क्या कर रहे हैं, कविता का हम सिर्फ वो कहना क्या चाहती है वह उगलवा देना बच्चे से, या कि कविता के साथ में एक ऐसा रिश्ता बनना जैसे कि आप अंधेरे में लाइट का बटन टटोलते हैं, जैसे कि आप उसके साथ उस आप जब अंधेरे में लाइट का बटन टटोलते हैं तो आप उस जगह के साथ में अपनी एक सहजता विकसित करते हैं जहाँ पे आप अंधेरे में भी देखने का अभ्यास करते हैं। तो ये जो रिश्ता है ये रिश्ता बहुत बहुत सघन जुड़ाव की मांग करता है। ये रिश्ता किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र हल कर लेने के जितना मसला नहीं है। और इस कार्यक्रम के लिए जब मैं कविताएं चुनना मैंने शुरू किया तो मैंने सोचा कि मेरे पास में घर में जो कुछ भी कविता संग्रह है मैं उनको उठा के देखती हूँ। इधर ये जो लाइव्स को देखते हुए ये बात भी मेरे मन में बार बार आ रही थी कि ऐसा क्यों है कि बहुत कम स्त्री कवि दिखाई दे रही हैं तमाम लाइव्स में, ज्यादातर कुछ एक ज्यादातर जो कवि लाइव्स के अंदर हैं वो पुरुष कवियों की ही कविताएं लाइव्स के अंदर बार बार आ रही हैं। तो ये सवाल मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था तो मैंने सोचा कि मेरे पास में जो संकलन है मैं उनको उठा के देखती हूँ कि उनमें कौन कौन कवि हैं। और मैंने देखा कि 1943 से 1976 के बीच में यानी लगभग 30 साल में जो बहुत बड़ा काम माना जाता है 4 सप्तक निकले और इन 4 सप्तकों में लगभग 28 कवि शामिल थे और इन 28 कवियों के अंदर चारों सप्तकों में सिर्फ 3 स्त्री कवि शामिल होती हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब एक पूरे समय के अंदर इतने सालों के अंतराल में और जो कवि स्त्री कवि शामिल भी होती है मुझे लगता है कि उनको उनकी बहुत कविताएं या बहुत पॉपुलर डिस्कोर्स में उनका नाम हमने बाद के समय में नहीं सुना है। तो मैं दूसरे सप्तक में जो कवि हैं शकुंत माथुर मैं उनका वक्तव्य पढ़ती हूँ। मैं इसलिए पढ़ना चाह रही हूँ इस वक्तव्य को कि दरअसल एक चीज तो ये है कि यदि क्या स्त्रियां इस पूरे समय में कविता लिख नहीं रही थी, यदि लिख रही थी तो वो कहाँ गायब थी, वो क्यों कहीं पे भी, और क्या मतलब स्त्री आबादी जिस तुलना में जिस अनुपात में इस समाज में मौजूद है उसकी जो उपस्थिति है वो इतनी मिनिमल क्यों दिखाई देती है, उसकी कविताएं इतनी कम क्यों सुनाई देती हैं कि 4 सप्तकों के भीतर आपको 3 स्त्री कवि मिलती हैं 28 कवियों के बीच में। उसके बाद में फिर मैंने देखा कि एक कवि एकादश निकाला गया बाद में 2008 में मेरे ख्याल से इसका पहला संकलन आया, इसमें संकलन इसका पहला संस्करण आया, इसमें 11 कवि हैं और 11 कवियों में एक भी स्त्री कवि नहीं है। तो क्या 4 सप्तक के बाद के समय में कोई स्त्रियां कविता नहीं लिख रही थी? यदि आपने पूरे समय के प्रतिनिधि आवाज के अंदर स्त्री स्वर नहीं है तो क्या संकलित करने वालों के लिए ये एक बेचैन करने वाली बात नहीं होनी चाहिए? क्या स्त्री की आवाज को मिलाए बिना आप अपने समय को पूरा पूरा दर्ज कर पा रहे हैं? तो ये वो प्रश्न है जो मुझे इस कार्यक्रम के बारे में जब मैं कविताओं को खोजने पे गई तो इस बात ने मुझे और ज्यादा परेशान किया कि ये कैसी बात है कि आप जब भी संकलित कर रहे हैं आपको कोई अपने समय के प्रतिनिधि स्त्री स्वर सुनाई ही नहीं देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि 2008 में जब कविता एकादश आता है, प्रथम संस्करण 2008 का है इसका, तो ये मुझे निश्चित रूप से परेशान करने वाली बात लगती है क्योंकि 2008 तक का समय मेरा अपना देखा जाना हुआ समय है। मुझे लगता है कि इस समय में बहुत सारे प्रमुख स्त्री स्वर थे जिनको इन कविताओं में इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। तो मैंने देखा कि
शकुंत माथुर जो कि दूसरे सप्तक में है, मैं उनकी कविताएं नहीं पढ़ूंगी, मैं उनके वक्तव्य का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ना चाहती हूँ। वे कहती हैं, बात बहुत सीधी सी है, प्रत्येक मनुष्य वही काम करता है जिसमें उसे सुख मिले। भौतिक सुविधाओं में सुख पाते तो सभी को देखा, किंतु आध्यात्मिक चिंतन से लेकर काव्य और ललित कलाओं तक में भौतिक सुख से भी अधिक कितना सुख मिलता है, यह उनका पुजारी ही जान सकता है। नारी का सुख केवल उसकी घर गृहस्थी तक ही सीमित है, यह मैं नहीं मानती। गृहस्थी के साथ संवार के बाद भी वह पूरा संतोष नहीं कर पाती, उसे लगता है वह अपूर्ण है। उसकी सांसारिक और व्यावहारिक सुख साधना की पूर्ति होने पर भी वह सामाजिक अभाव महसूस करती है, और वह है मानसिक विकास का। घर में रहकर वह अपनी प्रत्येक इच्छा पूर्ति करती है, किंतु फिर भी मानसिक क्षेत्र में पैर फैलाने का अवसर उसे घर की चार दीवारी में प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सब प्रकार का सुख होते हुए भी इस अभाव की पूर्ति मुझे काव्य में मिली। यहाँ मैं घर पर बैठी भांति भांति के नगरों, रंगीन भवनों, क्लबों, नर नारियों, तेजी से चलते जीवन से लेकर अंधेरी तंग गलियों और सुनसान गांवों तक का चित्र उतार कर मन भर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि स्त्री कवि का जो हम तमाम, जैसे ही हम स्त्री की बात करते हैं, स्त्री के मुद्दों की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें ये बताने के लिए आ जाते हैं कि आज समय बहुत बदल गया है, आज औरतें बहुत कुछ करने लग गई हैं। लेकिन जो संघर्ष है, औरत का संघर्ष, खासतौर से साहित्य के क्षेत्र में भी आने वाली औरतों का जो संघर्ष है, वो आज भी उसको इस दुधारी तलवार पे चलना है, उसको घर और बाहर के बीच में एक ऐसा संतुलन बनाना है। और मुझे ये लगता है कि यदि ये सवाल है, तो इस सवाल को हमारी शिक्षा में, शिक्षा की व्यवस्था में, स्कूली शिक्षा में खास तौर से प्रोमिनेंटली उठना चाहिए, प्रमुख रूप से उठना चाहिए। और हमारे बच्चों को, जो आज के समय में जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल से जो कॉलेज में जाएंगे, अभी थोड़े दिन पहले मैं, मेरी जो कॉलेज में जाने वाली दोस्त हैं, उनके मैं ऑनलाइन क्लासेस को लेके पोस्ट पढ़ रही थी, और उनकी जो चिंताएं हैं कि आज भी लड़कियों के सामने जो सवाल है वो यही है कि वो अपने घर की चार दीवारी से कैसे जूझती हैं। तो चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो दुनिया के और तमाम तरह के काम हो, चाहे वो उनकी बेसिक एजुकेशन ही क्यों ना हो, उनके सामने सवाल, उनके सामने चिंताएं यही है कि वो इस द्वंद से, इससे कैसे निजात पाए, या इससे कैसे अपने आप को, अपने व्यक्तित्व का वो विस्तार कैसे करे। क्योंकि उसको पहले तो उसका प्राथमिक दायित्व तो यही बना रह जाता है कि वो जो घर की उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको वो निभाए या उनको वो पूरा करे, और उसको सुना भी कैसे जाता है। तो मैं अब कुछ स्त्री कवियों की कविताएं आपके साथ में शेयर करूंगी। मैं कुछ शुरुआत अपनी कविता से करती हूँ, और फिर मैं कुछ और लोगों की कविताएं पढ़ूंगी। और क्यों औरतों की कविताएं बहुत कम हैं, और औरतें खुद अपनी कविताओं को लेके किस तरह से सोचती हैं, या वो अपने आप को कैसे अभिव्यक्त कर रही हैं, मुझे लगता है कि यदि ये पूरी बातचीत इस तरह का एक एक एक्सपीरियंस भी करवा पाती है कि स्त्री कविता इस पूरे समय में बहुत प्रतिनिधि कविताएं हैं, ऐसा मैं नहीं कह पा रही। न मैं अपने समकालीनों को बहुत शामिल कर पाई हूँ, न मैं अपने बहुत पुराने लोगों को ज्यादा ले पाई हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि ये मेरा चयन जो है ये प्रतिनिधि चयन है, लेकिन मैंने इस पूरे समय में औरतों की कविताओं के विषय क्या है, वो कहाँ उनके अपने संघर्षों को, उनकी अपनी कठिनाइयों को, उनकी अपनी जर्नीज को कह रहे हैं, और क्या वो इतने ही सीमित हैं, या वो इसके परे भी जाके और दूसरे तमाम विषयों को, जो आपके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तमाम मसले हैं। क्योंकि पहली बात तो मुझे लगता है कि औरत का अपना अगर संघर्ष इसी समाज के अंदर है, तो वो उतना ही सामाजिक राजनीतिक संघर्ष है, और यदि वो स्वर नहीं सुना जा रहा है, तो वो उतना ही बड़ा सामाजिक राजनीतिक सरोकार पूरे समाज का होना चाहिए। और खासतौर से साहित्य समाज को या शिक्षा जगत को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है कि ये ऐसा क्यों है कि जो आधी आबादी है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो 28 कवियों में 3 कवियों का रह जाता है। या ऐसा ही मैं राजस्थान के प्रतिनिधि कवियों का एक संकलन देख रही थी, रेत पर नंगे पांव, तो उसमें भी मैंने देखा कि उसमें करीब 31 कविताएं शामिल हैं, लेकिन उन 31 कवियों के अंदर 2 या 3 ही स्त्री कवि शामिल हैं। तो ये जो प्रोपोर्शन है, ये 50% नहीं, 25% नहीं, वो इतना कम क्यों है, ये मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक सोचने की विषय, सोचने का विषय होना चाहिए। और फिर ये भी सोचने का विषय होना चाहिए कि उनके जो विषय क्षेत्र हैं वो किस तरह के हैं, और जैसे हैं वो कैसे, वैसे क्यों हैं। तो ये मेरी एक कविता है अपनी,
बेकार की कविताएं। कविता करना भी कितना बेकार का काम है, कविता करना भी कितना बेकार का काम है, स्त्री होकर भी करना कविता तो घोर अनर्थ करना है। कविता से न चूल्हा जलता है न घर जलता है। बच्चे नहीं सोते माँ की लिखी कविता सुनकर, उन्हें लोरियां सुननी है जिनमें परियों की बातें हों, जिनमें चांद के किस्से हों। माँ की कविता में जीवन का खटराग है, कविता करना भी कितना बेकार का काम है। तो मैं अपनी ये एक कविता सुनाऊंगी और फिर मैं आपको सुनाती हूँ अनामिका की कविता, और मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण कविता लगती है। अनामिका हमारे समय की महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी कविता है स्त्रियां। जो बातचीत में कह रही हूँ, मुझे लगता है कि उसको भी ये कविता बहुत ठीक ढंग से समेटती है, उस बात को कहने में मदद करती है, मेरी बात को कहने में। इसका शीर्षक है स्त्रियां। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का, चना गरम चना जोर गरम के लिफाफे बनाने के पहले। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का, चना जोर गरम के लिफाफे बनाने से पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उनींदे, देखी जाती है कलाई खड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से, जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसा ठुस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विकल्प। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि छिछुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह, सुनो हमें अनहद की तरह, और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन आवाजें रंगीन अफवाहें चीखती हुई चींची। दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अधर धत्त जंगली लताएं, खाती पीती सुख से उबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़े ही लिखी। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनियों टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई चींची। दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगरधत्त जंगली लताएं, खाती पीती सुख से उबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। और फिर ये उन्होंने थोड़ी ही लिखी। कनखियां, इशारे, फिर कनखियां, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं, हे परम पुरुषों, बख्शो, अब हमें बख्शो। अनामिका की ही एक और कविता मैं इसी क्रम में आपको सुनाती हूँ। हालांकि ये एक बिल्कुल अलग स्वर की कविता है और मुझे लगता है कि स्त्री कवियां जो अपने समय में लिख रही हैं, क्योंकि बहुत सारा स्त्री का जो जीवन है वो उसका एक अलग तरह के संघर्षों से बना हुआ जीवन है। जो स्त्री और पुरुष का जीवन कम से कम हमारे समाज के अंदर मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग तरह का जीवन है। जब स्त्री लिखने के लिए लिखने का या किसी भी तरह का और रास्ता चुनती है तो उसको अपने आप को कंटिन्यूसली जस्टिफाई करना होता है, अपने आप को कंटिन्यूसली ये साबित करना होता है कि नहीं वो सब कुछ मैनेज करते हुए ये भी कर रही है। जबकि पुरुष के लिए ये सारी समाज जो है ये सारी अपेक्षाएं दूसरी तरह से गढ़ता है। उसके लिए एक पूरा परिवार उसको सपोर्ट करने के लिए होता है, उसका घर संभालने के लिए लोग मौजूद होते हैं, और उसके बाद में जो बाहर के तमाम कारोबार हैं सब कुछ करना है वो उसका
उसका दायित्व है या उसको उसके लिए सब कुछ व्यवस्थाएं प्रोवाइड करना परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन औरत जब करती है तो अपने लिए सब कुछ प्रोवाइड करना, दूसरों के लिए सब कुछ प्रोवाइड करना, ये उसकी जिम्मेदारी है। और ये बड़ा दोहरा संघर्ष है जो अक्सर हम तमाम स्त्रियां जो घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, लिखना चुनती हैं या ऐसा कोई भी रास्ता चुनती हैं, वो हमारे सामने होती है। और मुझे लगता है कि ये दायित्व शिक्षा का है कि वो इन संघर्षों को समझे और आने वाले समय में एक ऐसा बेहतर मनुष्य तैयार करे जो इस इक्वेशन को बदले, इस समीकरण को बदले और थोड़ा सा ज्यादा बराबरी, सभी तरह की चीजों में थोड़ा सा ज्यादा बराबरी का माहौल बन सके। तो ये दूसरी कविता है अनामिका की, जो अधिक व्यापक सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर एक तरह की टिप्पणी करती है। और मुझे ये कविता खास तौर से वर्तमान संदर्भ में, मुझे लगा कि मुझे ये कविता पढ़नी चाहिए। इसका शीर्षक है पत्ता पत्ता बूटा बूटा। माँ, प्रेमचंद की कहानी में वो जो एक हामिद था दादी के चिमटे वाला, या जो इतनी मारा ये जो इतनी मारा मारी हुई है, कहाँ गई होगी उसकी दादी, कहाँ गया होगा उसका चिमटा? क्या हामिद बड़ा हो गया होगा, क्या हामिद बड़ा हो गया होगा, इतना बड़ा, खूब खूब बड़ा, मुझसे लंबा या मेरे जितना? क्या वो दादी को बचा लेगा? मैंने तो देखा है ज्यादा बूढ़ी औरतें दौड़ भी नहीं पाती भगदड़ में। माँ, तुम बूढ़ी मत हो जाना कभी। भगदड़ का क्या है माँ, वो तो मचती ही रहती है। क्या पता मैं कभी स्कूल में हूं और भगदड़ मच जाए, तो कौन तुमको बचाएगा? टीवी में देखा था ना उस दिन दंगाई, पहले तो औरतों के फाड़ते हैं कपड़े, फिर पेट, बच्चों का सिर वे शायद पत्थर पर या यूं पटक कर तोड़ देते हैं, जैसे तुमने उस दिन बेल तोड़ा था शरबत की खातिर। मुसलमान क्या होता है अम्मा? वही पंच परमेश्वर के जुम्मन मियाँ, उनकी खाला, हकीम अंकल और उनकी सेवैयाँ, नीम के पेड़ सीरियल के वे खट्टी मीठी चरपरी भाषा बोलने वाले बा अदब शाइस्ता लोग, अंडे वाले दर्जी और तांगे वाला, जाकिर हुसैन और तबला और ताजमहल चाय, शाहरुख खान और वो अम्मा वो बूढ़ा इत्र फरोश जो नानी के घर के पिछवाड़े की छोटी सी दुकान में कभी नहीं बिकने वाली खुशबूदार शीशियां यूं ही सजाए बैठा रहता है। और भी कहा होगा बच्चों ने कुछ कुछ, अगल बगल मेरे लेटे लेटे कुछ सुना मैंने, कुछ नहीं सुना। अंतिम जो बात सुनी वो शायद यह थी, दिखा रही थी बेटी भाई को इतिहास की किताब में तस्वीर कोई, और कह रही थी ये देखो तो कितना प्यारा था हुमायूं, मरने की खातिर उसने ये कैसी शानदार जगह चुनी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा और मजे से मर गया, पढ़ते पढ़ते उसको नशा आ गया होगा। रात को आधी हो गई थी बेहद उमस, रात आधी हो गई थी बेहद उमस थी, दूर किसी के घर से गा रहा था अस्फुट स्वर में ट्रांजिस्टर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। तो ये अनामिका की दो कविताएं मैंने आपको सुनाई। अब मैं एक कविता आपको अजंता देव की सुनाती हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम औरतें अलग-अलग तरह से कई बार कुछ बातें हैं हमारी जो हमारे एक सरीखे अनुभवों से निकल के आती हैं। तो ये कविता है फोटो से बाहर। गति से बाहर एक विगत, स्वयं से अलग एक छाया, एक चौकोर से बाहर खड़ा कर दिया गया है मुझे दृश्य से विलग। गति से बाहर एक विगत, स्वयं से अलग एक छाया, एक चौकोर से बाहर खड़ा कर दिया गया है मुझे दृश्य से विलग। अब क्या करूं बहते हुए रुके आंसुओं का, मैं उन्हें पोंछ नहीं सकती और वे कभी नहीं सूखेंगे। कभी नहीं उतरेगा कुछ पीठों से बोझा, धुआं फैला ही रहेगा कुछ चेहरों को ढकता हुआ। अब क्या करूं बहते हुए रुके आंसुओं का, मैं उन्हें पोंछ नहीं सकती और वे कभी नहीं सूखेंगे। कभी नहीं उतरेगा कुछ पीठों से बोझा, धुआं फैला ही रहेगा कुछ चेहरों को ढकता हुआ। कुछ मुस्कुराहटें बनी रहेंगी तब भी जबकि गुजर रही होगी दुनिया भयानक समय से। कुछ लोग करते रहेंगे बातचीत बिना विषय के, कुछ फसलें बिना कटे झूलती रहेंगी बरसों तक। एक चीख, एक फटा आंचल और खून की बूंदें उपस्थित रहेंगी शताब्दियों तक, जैसे अभी अभी मैं इन अनुपस्थित दृश्यों के बाहर क्यों हूं, जैसे अभी अभी मैं इन
अनुपस्थित दृश्यों के बाहर क्यों हूं, कोई दरवाजा खोले, मैं अंदर आना चाहती हूं। कोई दरवाजा खोले, मैं अंदर आना चाहती हूँ। ये भी बड़ी दिलचस्प बात मैंने इस बीच में नोटिस की कि एक तरफ जहां तमाम संकलन है वहां पे स्त्रियों की उपस्थिति लगभग नहीं के बराबर है, और इसी बीच में एक संकलन निकलता है स्त्री होकर सवाल करती है, जिसके संपादक भी स्वयं लक्ष्मी शर्मा जी हैं जो कि एक स्त्री कहानीकार हैं। लेकिन ये संकलन जो है जहाँ पे स्त्री होकर सवाल करती है वहां पे तमाम कविताएं, और इसकी खास वजह रही होगी इस तरह के संकलन की, लेकिन मेरे लिए ये हैरानी की बात थी कि इसमें तमाम पुरुष कवि हैं जो स्त्रियों के बारे में कविताएं लिख रहे हैं। और ये भी एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्त्रियां जो है वो कविताओं का विषय हैं अक्सर, और पुरुष उनके बारे में कविताएं लिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे मन में आते हैं। मुझे लगता है कि साहित्य और शिक्षा, इन दोनों से जुड़े हुए लोगों के मन में ये नहीं कुछ और सवाल, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लगता है कि ये दुनिया, ये साहित्य की चाहे दुनिया हो चाहे वो बाकी हमारे आसपास की दुनिया हो, वो जैसी है वो वैसी क्यों है, उसको कुछ क्या कुछ और तरह से नहीं हो सकती थी। तो अब मैं एक कविता सुनाती हूँ आपको, कात्यायनी की। कात्यायनी की कुछ कविताएं मैंने, दरअसल मुझे उनकी कई कविताएं पसंद हैं, लेकिन मैं अभी इसमें से एक कविता है, साहित्य इतिहास में स्त्री, साहित्य के इतिहास में स्त्री। इससे पहले कि हम खुद ब्रह्म राक्षस बन जाएं, हमें इतिहास की अपनी परिभाषा को ब्रह्म राक्षसों की कैद से आजाद कराना होगा। इससे पहले कि हम खुद ब्रह्म राक्षस बन जाएं, हमें इतिहास की अपनी परिभाषा को ब्रह्म राक्षसों की कैद से आजाद कराना होगा। हमें उन तटों पर पहुंचना होगा जहां ये अजस्त्र धारा बह रही है। चलो इसमें एक बूंद बनकर बहें, ताकि हमारा रास्ता कल इतिहास के सफों पर सुंदर सुरीले छंद बन अंकित हो। इससे पहले कि इस सदी की किताब बंद हो, ऐसा कुछ करें कि हमारे हिस्से के सफे कोरे ही न छूट जाए। इससे पहले कि इस सदी के किताब की किताब बंद हो, ऐसा कुछ करें कि हमारे हिस्से के सफे पूरे ही ना छूट जाएं। ये दरअसल कात्यायनी के लेखों का एक संकलन है, और इसमें कुछ कविताएं उन्होंने साथ साथ में लिखी हैं जो मैंने इसके यहाँ आपको सुनाने के लिए चुनी हैं, जिसमें से एक और कविता है, यह स्त्री सब कुछ जानती है, पिंजरे के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रणा ग्रहों के बारे में। उससे पूछो पिंजरे के बारे में पूछो, वह बताती है नीले अनंत विस्तार में उड़ने के रोमांच के बारे में, जाल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में खो जाने के सपने के बारे में बातें करने लगती है, यंत्रणा ग्रहों की बात छिड़ते ही गाने लगती है प्यार के बारे में एक गीत। रहस्यमयी है इस स्त्री की उलटबाजियां, उन्हें समझो इस स्त्री से डरो, उन्हें समझो इस स्त्री से डरो। और एक कविता अब मैं आपको सुनाती हूँ निरुपमा दत्त की, और फिर मैं आपको जसिंता केरकेट्टा की एक दो कविताएं सुना के और इस लाइव को विराम देना चाहूंगी। ये कविता है बुरी औरत। अगर आप मेरे शहर आओगे तो बुरी औरतों की फेहरिस्त में मेरा नाम भी दर्ज पाओगे। मेरे पास वो सब कुछ है जो एक बुरी औरत के पास होना लाजिमी होता है। हाथ में छलकता जाम है, मेरी खिलंदड़ हंसी बहुत बदनाम है, मुंह में जलती आग है, दिल धड़कता है, रगों में बसा कोई राग है, पांव तले जमीन है, ऊपर खुला आसमान है, मेरे में सहने का हौसला है, मेरे पास कहने का सामान है, मेरे में सहने का हौसला है, मेरे पास कहने का सामान है। और अब मैं जसिंता केरकेट्टा, जो हमारे समय की बहुत युवा कवि हैं और जिनकी कविताओं के विषयों का जो दायरा है वो बहुत विस्तृत दायरा है, मैं उनकी छोटी सी एक कविता आपको सुनाती हूँ, जहाँ कुछ नहीं पहुँचता। पहाड़ पर लोग पहाड़ का पानी पीते हैं, सरकार का पानी वहां तक नहीं पहुँचता।
पहाड़ पर लोग पहाड़ का पानी पीते हैं, सरकार का पानी वहां तक नहीं पहुंचता, मातृभाषा में कोई स्कूल नहीं पहुंचता, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं पहुंचता, बिजली नहीं पहुंचती, इंटरनेट नहीं पहुंचता, वहां कुछ भी नहीं पहुंचता। साहब, जहां कुछ भी नहीं पहुंचता, वहां धर्म और गाय के नाम पर आदमी की हत्या के लिए इतना जहर कैसे पहुंचता है? और एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगी, निर्मला पुतुल की। निर्मला पुतुल और जैसिंता करकेट्टा दोनों झारखंड से आती हैं, दोनों आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली स्त्रियां हैं। तो स्त्री का अनुभव भी जो है वो अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में बहुत भिन्न अनुभव है। और ये कविता है आदिवासी लड़कियों के बारे में। ऊपर से काली, भीतर से अपने चमकते दांतों की तरह शांत धवल होती हैं वे। वे जब हंसती हैं, फेनिल दूध से निश्चल हंसी, तब झरझरा कर झरते हैं पहाड़ की कोख में मीठे पानी की सोते। जूड़े में खोस कर हरी पीली पत्तियां जब नाचती हैं कतार बंध, मातल की थाप पर आ जाता है तब असमय वसंत। वे जब खेतों में फसलों को रोपती काटती हुई गाती हैं गीत, भूल जाती हैं जिंदगी के दर्द। ऐसा कहा गया है, किसने कहे हैं उनके परिचय में इतने बड़े बड़े झूठ? ऐसा कहा गया है, किसने कहा है उनके परिचय में इतने बड़े बड़े झूठ? किसने? निश्चय ही वह हमारी जमात का खाया पिया आदमी होगा, सच्चाई को धुंध में लपेटता एक निर्लज सौदागर। जरूर वह शब्दों में धोखा करता हुआ कोई कवि होगा, मस्तिष्क से अपाहिज। ये निर्मला पुतुल की कविता है। और मेरे ख्याल से समय होने को है, तो क्या कहते हैं आप, एक आध कविता और पढ़ी जाए? मैंने बहुत सारे लोगों की कविताएं चुनी थी आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि 4:45 हो गया है, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे इसको क्लोज करना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, मैंने बहुत सारी बातें करने का सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि जितना व्यवस्थित ढंग से ये बातचीत होनी चाहिए थी, जितनी व्यवस्थित ढंग से कविताएं पढ़ी जानी चाहिए थी, शायद बहुत बेहतर ढंग से तो नहीं हो पाया है, लेकिन अगर कुछ भी बात इसमें से काम की लगती है और आप लोगों के साथ रहती है तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जन सरोकार मंच का, मुझे इस आप लोगों के साथ में जुड़ने का मौका दिया और अपनी कविताएं पढ़ने का, अपनी और अपनी पसंद की कुछ और कविताएं पढ़ने का और अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार। नमस्ते, फिर मिलते हैं कभी।